देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए की करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। देश की जनता ने लोगों को मोदी जी का साथ दिया, लाइनों में खड़े होके 3-3, 4-4 घंटे बूढ़े लोग बच्चे लोग हर कोई लाइनों में खड़े होके इस देश को इस सिस्टम को चेंज करना चाह रहा था, तभी वो लाइनों में खड़े होके मोदी जी का साथ दिया। पर सवाल ये उठता है कि इस फैसले के बाद क्या एक साल बाद हमारे देश की आर्थिक स्थिति ठीक हुई है? जो फैसला भ्रष्टाचार नोट ब्लैक मनी को वापस लाने का था, क्या वो ब्लैक मनी वापस आई है? कितना भ्रष्टाचार हमारे देश से अलग हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हमारे देश से खत्म हुआ है? ये फैसला आता है, ये सवाल उठता है देश की जनता के बीच में, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में, कि कितना वो आर्थिक स्थिति ठीक कर पाए हमारे देश के साथ। आइए जानते हैं कुछ लोगों से बात करके कि उनका क्या कहना है एक साल बाद इस नोटबंदी के फैसले के ऊपर, क्या फैसला कितना ठीक था। जब से नोटबंदी हुई है तब से इस समय गरीबों की हालत बहुत ख़राब है। आप ये देखिए कि मार्केट इतना मंदा हो चुका है कि लोगों ने अपने यहाँ से स्टाफ को निकालना शुरू कर दिया है, और स्थिति ये है कि आदमी बेचारा कुछ खरीदने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा। और तो और इन्होंने नोट क्या निकाल दिया, 2000 का नोट, जिससे और ज़्यादा ब्लैक मनी इकट्ठा होना शुरू हो गया। नोट को देख के ऐसे लगता है, लोग अभी तक लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये नोट है क्या, लगता है चूरन के नोट आ गए 2000 का। अभी 1000 का नोट सुना है आ रहा है नया, वो हरा रंग का आ रहा है। स्थिति तो आप देख ही रहो क्या चल रहा है इस समय, हम लोग कहाँ खड़े थे कहाँ पहुँच गए। फिर GST लागू करने के बाद और स्थिति को ख़राब कर दिया उन्होंने। तो स्थिति ये है कि हर आदमी आज टूटा पड़ा है, उसके पास पैसा नहीं है। आप ये देखो, नोटबंदी के बाद लगभग 128 आदमियों की मौतें हुई, बेचारे जो पैसे के लिए लाइन में लगे रहे, लाइन में लग लग के बेचारे चले गए। आप बताओ ये सरकार कैसी सरकार है, मोदी जी ने क्या सोच के किया था? आपको पता है कि नोटबंदी का फैसला जो है, रिजर्व बैंक को मालूम ही नहीं था कि नोटबंदी होने जा रही है, और बीजेपी वालों सबको पता था, सब लोगों ने खूब पैसा इकट्ठा किया, नई करेंसी इकट्ठी करी, और पैसा तो इसमें कमाया बीजेपी वालों ने, मोदी जी के लोगों ने खूब पैसा कमाया। और सरकार के पास यही नहीं पता है कितना नोट इनके पास आ गया और कितना नोट अभी लोगों के पास पड़ा है। इसका मतलब ये है कि जितना नोट इनके पास आया सारा नकली आया, इन्होंने चेक भी नहीं किया। जो बेचारे ओरिजिनल जिन्होंने नोट रखा हुआ था, वो बेचारे आज भी रख के बैठे हैं। ये स्थिति है इनकी कि इन्होंने खूब नकली नोट चलवा दिया हिंदुस्तान का। सर, देश की GDP है दिन पर दिन नीचे गिर रही है। देखिए, GDP गिरने का मेन कारण है नोटबंदी, लोगों पे पैसा नहीं है, GST आ गई। GST में पहले क्या था कि लगभग 70-80% ऐसी कंपनियां थी जो एक्साइज नहीं देती थी। आप जब GST लागू होने के बाद आज उनके माल पे भी एक्साइज लग रही है, तो GDP तो अपने आप गिरेगी जब छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर खत्म होते जा रहे हैं। ये सरकार कांग्रेस की जो कुरीतियां थी, जो कांग्रेस के पुराने फैसले थे जिन्हें कांग्रेस लागू करने से डर रही थी, उनको इन्होंने लागू करके और बुरा हाल कर दिया देश की जनता का। आज देश की जनता त्रस्त है इनसे, और बस केवल मस्त है तो मोदी जी मस्त हैं और सारी उनकी BJP मस्त है, ये हालत है इस समय। सर, एक तो BJP सेलिब्रेशन का टाइम मना रही है, एक तो कांग्रेस काला दिवस मना रही है, तो इसमें आम आदमी पार्टी क्या कहने वाली है? देखिए, हम तो शोक दिवस मनाएंगे, क्योंकि शोक दिवस इसलिए कि 128 लोग बेचारे शहीद हो गए लाइनों में खड़े होके, अपना पैसा बैंकों में जमा करें, फिर अपने पैसे के लिए लाइन में लगे, और लाइन में लग के पैसे के लिए लाइन में लगने के बाद लोग कैसे कैसे चले गए, किसी को हार्ट अटैक हो गया कि मेरे पे छोटी सी रकम है मैं कहाँ जाऊँगा। तो इसलिए हम तो वही है कि जो बेचारे 128 लोग मरे हैं उन्हीं की हम लोग, जो उन्होंने अपनी शहादत दी इस देश को, इस करेंसी को, जो पुराने नोट होगी उसके लिए हम लोग उनके लिए एक शोक दिवस मनाएंगे। उस दिन एक कैंडल मार्च निकालने का प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
सर सबसे बड़ा सवाल उठता है भ्रष्टाचार जो ब्लैक मनी के ऊपर, क्या नोटबंदी के बाद इतनी ब्लैक मनी देश में वापस आई थी जिसके लिए फैसला लिया गया था? देखिए कोई ब्लैक मनी नहीं आई, केवल फैसला लिया गया बड़े घरानों के लिए। ये बड़े घरानों के पैसे को वाइट करने का गेम था, मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं इन्होंने क्या गेम खेला और नुकसान हुआ तो गरीब जनता का। कारण क्या है, आज तक की राजनीति में गरीब आदमी सरकार बनाता है, सरकार में पहुंचने के बाद ये लोग पैसे वालों के लिए काम करते हैं। एक आम आदमी पार्टी की सरकार है जो गरीबों के लिए काम कर रही है। आज देखो हम लोगों ने अस्पतालों का हाल कैसा कर दिया है, हमने स्कूलों का हाल कैसा कर दिया है, लोग सोच भी नहीं सकते कि ये सरकारी स्कूल है या प्राइवेट से। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, बेहतर इलाज दे रहे हैं। और तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, मेरे यहाँ कई वार्ड ऐसे हैं जिनके अंदर बुरा हाल था, आज वहाँ पक्की सड़कें हैं, उनके यहाँ पे पानी है, हर घर पानी पहुँचाया हमने। हमारी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, हमने पक्के टीचर्स को पक्का किया, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई, हमने आंगनबाड़ी के जो वर्कर्स थे उनकी स्थिति खराब थी उनकी पैसे बढ़ाए, हमने पेंशन धारक जो हैं हमारे BSES के उनके लिए भी काम किया, हमने DTC के पेंशन धारकों के लिए काम किया। हम तो जनता की सरकार है, जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम करते रहेंगे। देश को क्या मैसेज देना चाहोगे इस एक साल पूरे होने पे? हम देश को यही मैसेज देना चाहेंगे कि जब जब BJP की सरकार आई उसने देश विरोधी ही काम किए। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी, उन्होंने देश के बड़े 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 जो होटल्स थे उनको बेचा, विदेश संचार निगम को बेचा। अब मोदी जी की सरकार आई है, ये रेलवे को बेचने जा रहे हैं, इनका बस चलेगा तो ये हमारी गरीब जनता को भी बेच के खा जाएंगे। इनसे बचो, इनसे दूर रहो, आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखा दो कि नोटबंदी और GST से जो नुकसान हुआ है ये नुकसान अब तो मोदी जी खुद भुगतने को तैयार रहे। सर एक और फैसला है, एक और हमारा क्वेश्चन है, GST को पेट्रोल और डीजल के दामों में क्यों नहीं दिया गया? देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये आप इसके पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हो, ये तो जो बिल्डिंग्स में जो बिल्डर्स बैठे हैं लॉबी, शराब लॉबी, ये सब लॉबी इनको फाइनेंस करती है, ये सारे लोग इनको पैसा देते हैं चंदे के तौर पे, ब्लैक मनी, इसलिए इन लोगों को बाहर रखा गया, क्योंकि ये लोग पैसे वाले बनेंगे तभी तो इनको मोटा पैसा मिलेगा। गरीब जनता से क्या मिलना है, गरीब जनता तो दुआएं देती है या दुआएं ना देकर उनको नीचे उतार देती है, ये दो ही काम करती है।